एक बार एक गांव में तीन भाई एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे। शाम का वक्त था, आधी रात थी। मॉम ने यही बताया था, पर शाम भी ठीक है, एक्चुअली बेटर है। ओके, तुम पढ़ो। नहीं नहीं, तुम ही पढ़ो। एक बार एक गांव में तीन भाई एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे। शाम का वक्त था। चलते चलते वो एक ऐसी नदी के पास पहुंचे जिसे पार करना नामुमकिन था, लेकिन चूंकि वो जादू करना जानते थे, उन्होंने अपनी छड़ियां घुमाई और एक पुल बना दिया। इससे पहले कि वो नदी पार करते, एक काली परछाई ने उनका रास्ता रोक लिया। वो मौत थी, जो हारा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि आम तौर पर लोग नदी में डूब जाते थे, पर मौत चालाक थी। उसने उनकी सफलता पे उन्हें बधाई दी और कहा कि वो उन्हें तोहफे देना चाहती है, क्योंकि वो उसके हाथों से फिसल गए। सबसे बड़ा भाई, जो जाबाज था, उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी मांगी। मौत ने तुरंत ही पास खड़े एल्डर पेड़ से तोड़ के उसके लिए वो छड़ी बना दी। दूसरा भाई घमंडी था। उसने तय किया कि वो मौत को और भी नीचा दिखाएगा, इसलिए उसने मरे हुए लोगों को कब्र से वापस बुलाने की शक्ति मांगी। मौत ने तुरंत नदी की तह से निकालकर एक पत्थर उसे दे दिया। फिर वो तीसरे भाई की ओर मुड़ी, जो कि तीनों भाइयों में सबसे विनम्र और बुद्धिमान था। उसने मौत पे भरोसा नहीं किया और एक ऐसी चीज मांगी जिसके रहते वो किसी की नजर में ना आए, और ना चाहते हुए भी मौत को उसे अपना अदृश्य चोगा देना पड़ा। उसके बाद मौत ने उनका रास्ता छोड़ दिया और तीनों भाई अपने अपने रास्ते निकल पड़े। पहला भाई दूर एक गांव में गया, जहां एल्डर छड़ी की मदद से उसने एक जादूगर को मार दिया, जो उसका पुराना दुश्मन था। एल्डर छड़ी से मिली ताकत के नशे में चूर वो एक सराय में पहुंचा और अपने अमर होने की शेख ही बघारने लगा। पर उस रात जब वो सो रहा था, एक दूसरे जादूगर ने उसकी छड़ी चुरा ली और उसे मौत के घाट उतार दिया, और इस तरह मौत ने पहले भाई से अपनी हार का बदला लिया। इसी दौरान दूसरा भाई वापस घर पहुंचा और उसने पत्थर को अपने हाथ में ले तीन बार घुमाया। ऐसा करते ही उसकी मरी हुई प्रेमिका जिंदा होकर उसके सामने प्रकट हो गई, लेकिन जल्दी ही वो उदास भी हो गई, क्योंकि अब उसकी दुनिया ये नहीं थी। दूसरे भाई ने निराश होकर आत्महत्या कर ली ताकि वो दोनों साथ रह सके, और इस तरह मौत ने दूसरे भाई से भी बदला ले लिया। अब बचा तीसरा भाई। मौत ने बहुत सालों तक उसे ढूंढा, पर वो नहीं मिला। कई सालों बाद जब वो बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसने खुद वो अदृश्य चोगा उतार कर अपने बेटे को दे दिया, और एक पुराने दोस्त की तरह उसने मौत को गले से लगाया और उसके साथ चला गया। न जीता न हारा। तो ये थी कहानी मौत के तोहफों की।